समय कम है और मैं नहीं चाहता कि पीछे से मेरा शर्ट खींचा जाए कि बैठ जाइए, तो जैसा आदेशित हुआ है बस एक रचना सुनाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। और गंभीर लोग बैठे हुए हैं तो उसी गंभीरता को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आजकल बलात्कार की जो घटनाएं हैं उससे अखबार जो सुर्खियां बनती हैं, और पुरुष होने के नाते कहीं उस समय मुझ में ग्लानि का भाव भर जाता है। उसी को लिखता हूँ, सुनिएगा। वो माफी मांग तो रही थी, वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान। फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान। कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए, कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए। वो चित्र उतर आना चाहिए, कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए, कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए अपने अस्मत की इस्तदा करती, अपने अस्मत की इस्तदा करती। फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में उतर आए लहू को, ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में उतर आए लहू को, ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा। फिर क्यों रौंद दिया उसकी आत्मा, फिर क्यों रौंद दिया उसकी आत्मा को, क्यों चीर दिया उसके जिस्म को, क्यों रौंद दिया उसकी आत्मा को, क्यों चीर दिया उसके जिस्म को, क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर। बस कुछ दिन बातें होती हैं फिर सब कुछ बिसरा दिया जाता है। क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर। सिर्फ इसलिए, सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी और रंग बिरंगे कपड़े पहन तितली सा उड़ना चाहती थी, और तुम्हारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी, तुम्हारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी। वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। धन्यवाद।